मुझे याद है जब हम स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म कर रहे थे तो कुछ लोग आशंका जता रहे थे कि स्पेस इंडस्ट्री में कौन प्राइवेट प्लेयर आएगा, लेकिन आज स्पेस सेक्टर में 60 से ज्यादा भारतीय प्राइवेट कंपनियां आज ऑलरेडी उसमें लीड कर रही हैं और उनको देख करके मुझे और प्रसन्नता हुई है। आज मुझे गर्व है कि हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री के साथियों ने लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, ग्राउंड सेगमेंट और स्पेस एप्लीकेशन के क्षेत्रों में तेजी से काम शुरू कर दिया है। पीएसएलवी रॉकेट के निर्माण के लिए भी भारत के प्राइवेट प्लेयर्स आगे आए हैं। इतना ही नहीं, कई प्राइवेट कंपनियों ने तो अपने खुद के रॉकेट की डिजाइन भी तैयार कर ली है। ये भारत के स्पेस सेक्टर की असीमित संभावनाओं की एक झलक है। इसके लिए मैं अपने साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, युवा उद्यमियों और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। और इस पूरी यात्रा में ये जो नया मोड़ आया है, एक नई ऊंचाई का रास्ता चुना है, उसके लिए अगर मुझे किसी को सबसे ज्यादा बधाई देनी है, किसी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना है, तो मेरे इसरो के लोगों को धन्यवाद देना है। हमारे इसरो के पुराने सचिव यहां सामने बैठे हैं जिन्होंने इस बात को लीड किया और अब हमारे सोमनाथ जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और इसलिए मैं इसकी पूरी क्रेडिट मेरे इन इसरो के साथियों को दे रहा हूं, इन साइंटिस्टों को दे रहा हूं। ये छोटा निर्णय नहीं है दोस्तों, और ये स्टार्टअप वालों को पता है कि इतने महत्वपूर्ण निर्णय के कारण वो हिंदुस्तान को और दुनिया को क्या कुछ देने के लिए बुलंद हौसला रखते हैं, और इसलिए इसकी पूरी क्रेडिट इसरो को जाती है। उन्होंने इस काम में बढ़ चढ़ करके कदम उठाए हैं, चीजों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की है, और जहां अपनी ही मालिकी थी वो कह रहे नहीं, आइए देश के नौजवान, ये आपका है, आप आगे बढ़िए। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी डिसीजन है।